अनुप जी, इंचियन में आप ये आपका करियर का पहला एशियाड गोल्ड है या दो एशियन गेम्स? दो 2010 और 14। तो आपका पर्सनल टारगेट क्या है? मेरा पर्सनल टारगेट अभी तो ऐसा कोई टारगेट है नहीं, मेरा एक मनी इच्छा है कि मैं चाहता हूँ कि कबड्डी ओलंपिक में शामिल हो। सबसे बड़ा मेरा जो मैं मानता हूँ मेरा टारगेट क्या, इंडिया का ही टारगेट है, और ओलंपिक में अगर कबड्डी इंक्लूड होती है तो हमारा एक गोल्ड मेडल कन्फर्म होता है, और लेडीज का भी अगर हो जाता है तो दो गोल्ड में मानता हूँ 100% कन्फर्म है, और ओलंपिक में मेडल टैले में इंडिया भी मतलब थोड़ा अप करेगा इसके लिए। ऐसा स्थिति है कि 2020 में ओलंपिक में शायद कबड्डी स्थान मिल सकता है, कबड्डी अच्छे ऐसा कुछ सुना जा रहा है, ऐसा कुछ डिस्कशन चल रहा है? ऐसा अगर ऐसा होगा तो आपको 2014 तो 6 ईयर्स आपको फिट रहना पड़ेगा आपका ड्रीम पूरा होने के लिए। देखिए मैं कंफर्म तो नहीं बोल सकता, पर मैं कोशिश कर सकता हूँ एज ए प्लेयर, मैं कोशिश कर सकता हूँ कि अगर मैं फिट हूँ, अगर मैं फिट रहूँ तब तक मैं रख सकता हूँ मेंटेन अपनी बॉडी को, तो मैं खेलने की कोशिश जरूर करूंगा, और अगर फिट नहीं होगा तो मैं ये नहीं कि जबरदस्ती हाँ मैं फिट भी नहीं हूँ, अनफिट हूँ और मैं जाके ओलंपिक में खेलूँ, तो ऐसा कुछ नहीं। अगर फिट हूँ तो मैं जरूर चाहूंगा कि इंडिया अगर पार्टिसिपेट करता है ओलंपिक में तो मैं उस टीम का हिस्सा हूँ। और प्रो लीग में आप कौन सा टीम से खेलते हैं? प्रो लीग में मैं यू मुंबई टीम से खेल रहा हूँ। तो आप चाहते हैं कि ये प्रो लीग जैसा चल रहा है, ये 8 फ्रेंचाइजी लेके आप पूरा देश में हर फ्रेंचाइजी हर स्टेट का फ्रेंचाइजी लेके टूर्नामेंट हो, ऐसा चाहेंगे? नहीं, अभी जो सिस्टम चलाया है लीग में चारू शर्मा जी ने जो चलाया बहुत अच्छा चलाया है। जनार्दन सिंह गहलोत जी का जो सजेशन था कि ऐसे करके करेंगे तो कबड्डी काफी अप होगा, और मेरे ख्याल से जितना उन्होंने सोचा था उससे मेरे ख्याल से बहुत ही ज्यादा एक प्लेटफॉर्म अच्छा मिला था कबड्डी को, बहुत ही ज्यादा पब्लिक ने देखा है, और बहुत ही मैं मानता हूँ कि क्रिकेट के लेवल पे कबड्डी आज की डेट में है, और अगर दूसरा सीजन ये हो जाता है मार्च का तो इसके बाद तो मेरे ख्याल से कबड्डी नंबर वन आ जाएगा शायद, मैं जहाँ तक मानता हूँ। और एक चीज है, बंगाल का जो कबड्डी एक हिस्ट्री है, बंगाल का कबड्डी अभी तक बंगाल का कबड्डी ऐसा स्थिति में नहीं है, हालांकि यहाँ के यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, लेकिन इस साल भी नेशनल टीम के इंचियन में कोई भी बंगाल का खिलाड़ी नहीं था स्क्वाड में, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि बंगाल का खिलाड़ी और भी उभर आए और भी नेशनल टीम पे मौका मिले? देखिए पहले बंगाल के काफी अच्छे अच्छे खिलाड़ी थे जो इंडियन टीम में खेले हैं, अर्जुन अवार्डी भी हैं, लेडीज भी है, जेंट्स भी है, अभी करके मैं मानता हूँ थोड़ा रुझान कम था कबड्डी का, और लीग की वजह से अभी दोबारा से फिर दोबारा लोगों में थोड़ा इंटरेस्ट बना है कबड्डी के लिए, तो मैं मानता हूँ कि आने वाले 2-4 साल में यानी कि अगले एशियन गेम तक मानता हूँ मैं शायद वेस्ट बंगाल का कोई ना कोई प्लेयर जरूर, लेडीज जेंट्स पक्का कोई ना कोई इंडियन टीम में पक्का मिलेगा।